हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपने इसे जीवन तो दिया, परंतु यह आशीर्वाद देकर इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा? फिर भी दशानंद, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से द्रवित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक दिन जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा, केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। तुम्हारे सौंदर्य ने अपने काम बाणों से हमें विदीर्ण कर दिया था, इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांग रहे थे, परंतु तुम उस सादर के योग्य नहीं। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता, तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं, तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण, ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्नि बाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सत्य और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओर भी बहुत होती है। यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनुसुया, उस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है सीता, ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है, मैं श्राप देता हूं, यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया, तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। सीते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते, फिर जिसे लंका की साम्राज्ञी बनाना है उसे अपने दास दासियों के सामने अपमानित नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं, स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम लोग सावधानी से सीता की रक्षा करना, कोई भी पुरुष या स्त्री हमारी आज्ञा बिना सीता से मिलने न पाए। इन्हें मोती माणिक स्वर्ण वस्त्र आभूषण जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, यह हमारी खुली आज्ञा है। सीता तुम्हारी भावी महारानी है, अतः जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कहेगा, तो हम समझेंगे उससे अपने प्राण प्यारे नहीं है। तुम इसका अहंकार तोड़ने का प्रयत्न करो, भय दिखाकर या मीठे वचनों से, साम दाम दंड भेद किसी भी उपाय से इसे वश में लाने की चेष्टा करो। जो कोई इसके आत्मसमर्पण का शुभ समाचार हम तक पहुंचाएगा, हम उसे मुंह मांगा धन देंगे। जो आ गया महाराज।
मेरी रक्षा करो। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। तथास्तु। वत्स कुंभकर्ण, अब तुम जीवन भर निद्रा के आसन पर सोते रहोगे। नहीं पितामह, नहीं नहीं पितामह। हे देव, आपने इसे जीवन तो दिया, परंतु यह आशीर्वाद देकर इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा, ऐसे जीवन का क्या अर्थ? पितामह, जिसे स्वयं जीवन दिया उससे यह अन्याय न करे। ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा। फिर भी दशानंद, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से द्रवित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक दिन जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा। केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा।